बाइक छीन के ले गए हैं गन पॉइंट पे। ये वाली बाइक थी पैसेंजर जिन्होंने राइड बुक करा। राइड नहीं, हम ऑफलाइन चले थे भाई। ये देखे हम रजिस्टर्ड हैं, सब कुछ है हमारे पास। बाइकिया के क्या मसाइल हैं, इसका भी ये मिस यूज करते हैं। उनको पता था कि आपने राइड ऐसे बुक कराई है, ऑनलाइन नहीं बुक कराई। उनको इसीलिए उन्होंने क्राइम किया, उन्होंने छुपाया हुआ था बस, मुझे पता नहीं। एक बंदा था या आगे कोई और भी? पुलिस ने आपके साथ तामन कुछ भी नहीं किया। जहाँ पर उनकी डेस्टिनेशन होती है वहाँ पर पहुँच कर उनको मुकम्मल फेयर नहीं दिया जाता, बदतमीजी करके उनको डराया जाता है। अब यूनिवर्सिटी या हॉस्टल या कॉलेज की लड़कियाँ भी बाइक पे बैठती हैं और राइड बुक करवाती हैं। इस एप्लीकेशन को ऑफ करके रैंडमली पैसेंजर्स या सवारियाँ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखो टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा, खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, आज की स्टोरी या आज की कहानी या आज का इंटरव्यू बड़ा डिफरेंट है। और इस तरह की ये स्टोरी या ये कहानी या ये इंटरव्यू बाइकिया के ऊपर है, ये जो आज तक किसी ने भी नहीं किया। क्योंकि आप देख सकते हैं कि देखो टीवी के प्लेटफॉर्म पर आपने ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स देखे जो किसी और चैनल पर नहीं देखे। हमने बेतहाशा ऐसे क्राइम को बेनकाब किया है जो लोग समझ ही नहीं सकते, जिसमें से जो सेक्स वर्कर हैं उनकी ऐप्स हो गई, मुर्दा मुर्गियाँ हो गई, या फिर जिस तरह के ये जो गर्ल्स हैं इनको किडनैप किया जाता है, फिर किन कामों में इन्वॉल्व किया जाता है, इस तरह के। आज बाइकिया के हवाले से दोनों साइड से हम प्रोग्राम लेंगे। ये जो क्राइम करते हैं वो लोग जो इनके पैसेंजर होते हैं, जो राइड बुक करते हैं उनके, और बाइकिया के क्या मसाइल हैं, ये लोग किस तरह करते हैं, फिर ये इनको राइड जब मिलती है इसका भी ये मिस यूज़ करते हैं। आज सारा मामला आपको क्लियर करते दिखाएंगे ताकि आप में भी अवेयरनेस आए कि बाइकियाँ बेसिकली ये हमारी सहूलत के लिए है, बनाई गई है, लेकिन इसमें भी क्राइम है। तो चलिए आज बहुत सारे इसमें मामला क्लियर करते हैं, मेरे साथ चलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी आतिफ भाई, आपने आज प्रोग्राम तरतीब दिया है बाइकिया के हवाले से। आपने कहा जी अवाम को हम अवेयरनेस देंगे बाइकिया के हवाले से, वो लोग भी इनके साथ दो नंबरी कर जाती, ये लोग भी करते हैं, दोनों साइड से किस तरह ये मामला जो हैं डिस्टर्ब हैं। ये कौन साहब हैं, ये बाइकिया ड्राइवर हैं, क्या मामला है, आप इनके साथ क्या मसला है? मैंने पहली बात तो ये है ना, पहली बात तो जो हमारे बाइकिया जो इन ड्राइवर इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली हर बंदा जो है ना ऐप इस्तेमाल नहीं कर रहा, क्योंकि ऐप इस वक्त इस्तेमाल नहीं हो रही, जितनी महंगाई है महंगाई की वजह से जो है ना ये मामला हो रहे हैं। अगर 100 रुपये, अगर एक सवारी 100 रुपया देती है ना, उसमें 30 रुपये कंपनी को देने हैं, 30 रुपये उसने पेट्रोल के काटने हैं, बकाया 40 रुपये बचने हैं। सारी रात भी उसने जलील होना है, सारी रात जलील होकर उसको सिर्फ 40 रुपये बचने हैं। क्योंकि मैं इनकी बात सुन के मैं खुद हैरान हो गई, मैंने इसलिए इनका प्रोग्राम किया है। और इन्होंने और भी बहुत मामला अंदर के बताए हैं, अब इनसे पूछें ये क्या बात है इनकी। जी वालेकुम। हाँ जी क्या मसाइल है? बाइक छीन के ले गए हैं गन पॉइंट पे, ये वाली बाइक थी मेरी, ये छीन के ले गए हैं गन पॉइंट पे, और साथ में मोबाइल वीवो मोबाइल था। कौन छीन के? पैसेंजर जिन्होंने राइड बुक करा। राइड नहीं, हम ऑफलाइन चले थे। अच्छा, इसी तरह वो भी तो आपने क्राइम किया ना भाजी। अगर आपको कोई राइड ऑनलाइन बुक कराते तो उसकी जिम्मेदारी आपकी सवारी की, आपकी व्हीकल्स की, आपके मोबाइल की, सब की कंपनी जिम्मेदार। नहीं आ रही बचत ही नहीं आ रही वहाँ उसमें। अब देखेंगे अगर ये आप राइड ऑनलाइन बुक करते और आपके साथ ये होता, आपकी बाइक चोरी होती या आपका मोबाइल चोरी होता, कंपनी जिम्मेदार होती भाई। ये देखे हम रजिस्टर्ड हैं, सब कुछ है हमारे पास। रजिस्टर्ड हैं आप? रजिस्टर्ड हैं लेकिन वो जो आपने राइड बुक की वो ऑनलाइन तो नहीं की? नहीं नहीं ऑनलाइन, वो आपने राहगीर किसी को बिठाया। जब ऑनलाइन आप बुकिंग करते हैं आप किधर जा रहे हैं, कहाँ से गुजरे हैं, किस स्टेशन पे बैठे हैं, क्या नाम है, मोबाइल नंबर, इवन ईच एंड एवरीथिंग, वो सारा स्कैन हो जाता है। जी बिल्कुल, उसमें आपका भी तहफ्फुज़ है और पैसेंजर का भी तहफ्फुज़ है। तो क्राइम कहाँ से हुआ? आपसे हुआ, ऐसा ही है ना? आपसे हुआ, इधर मेरे से बाइक छीन के ले गए हैं वो, इस वजह से छीन गए। अगर आप वो आगे रिपोर्ट। अच्छा उनको पता था? उनको पता था कि आपने राइड ऐसे बुक कराई है, ऑनलाइन नहीं बुक कराई, उनको पता था? उनको पता, इसीलिए उन्होंने क्राइम किया। कहाँ पे गए थे राइड? राणा टाउन। वो खुद था जिसने राइड बुक कराई? जी जी। उसके पास थे कोई? था। जब वो बैठा तब आपको अंदाजा था? जी जी। कि उसके पास कोई ऐसा वेपन हो सकता है?
जी उन्होंने छुपाया हुआ था, बस मुझे पता नहीं। एक बंदा था या आगे कोई और भी आ गया? नहीं, एक ही बंदा था। एक ही बंदा था, तो जहाँ से आपको आपने उसको बिठाया, डेस्टिनेशन यानी जहाँ पर आपने कहा हमारी फौतगी हो गई है, मुझे वहाँ पे जरूरी जाना है, वो अंदर छोड़ के आओ राणा टोन पे। वहाँ पे छोड़ने गया हूँ तो उन्होंने गन पॉइंट वीवो मोबाइल में मेरा, मतलब पुलिस वालों ने नंबर भी नहीं लिखा, ये ट्रेस। पुलिस ने आपके साथ तावन कुछ भी नहीं किया? एप्लीकेशन दी है वो, क्या कहते हैं वो, कह रहे हैं आप ढूंढेंगे तो ठीक है आपको कॉल। लेकिन आप, मेरे आपको एडवाइस है कि कभी ऑनलाइन बुकिंग के अलावा आपने दूसरी नहीं करनी है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप इन ड्राइव कौन सा है? इन ड्राइव मैं यूज़ करता हूँ। अच्छा, बाइक? जी बाइक पे तो हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी मेरे साथ जो हैं लड़के यहाँ पर मजबूर हैं, जो एजुकेशन भी उन्होंने ली हुई है काफ़ी अच्छी, ये काम करने पर मिस वो मजबूर हैं, जो प्राइवेट कर रहे हैं ना इस वक्त अपनी बाइक पे, जो सवारियां यहाँ से ले जाते हैं वो मजबूर हैं, वो इस वजह से मजबूर हैं कि इन्होंने जो राइड बुक करते हैं वो 100 रुपये में, 120 रुपये में किलोमीटर्स पर वो राइड बुक हो जाती है। ठीक है, तो काफ़ी किलोमीटर्स होते हैं, उनका फ्यूल माइलेज उनको जो है ना वो एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। क्या परसेंटेज देती है कंपनियाँ वो अगर लाइक 130 रुपये की राइड बुक होती है तो उसमें आपको क्या बचत होती है, कंपनी क्या देते हैं? और मेरे आइडिया के मुताबिक इनको, मेरा ख्याल है कि 30 से 40 रुपए जो है ना वो अर्निंग होती है उसमें, बाकी जो है वो उसका फ्यूल निकल जाता है। इसमें बोनसेस भी होते हैं? बोनसेस होते हैं, वो ऐसा है कि बोनस तब मिलते हैं इनको जब वो मंथली टारगेट अचीव करते हैं, मंथली टारगेट अचीव करने के बाद इनको बोनस मिलते हैं, कभी वो आ जाते हैं और कभी वो नहीं आते। आप क्या समझते हैं कि आप लोगों को कैसा तहफ़ मिले कि आप लोग, जैसे कि अब इनकी बाइक जो है वो उन्होंने गन पॉइंट पर छीन ली है, अब इन्होंने 2.5 लाख की दोबारा ली है, तो क्या होना चाहिए इस एप्लीकेशन के लिए, इसकी सिक्योरिटी, आवाम की सिक्योरिटी या आप लोगों की सिक्योरिटी के लिए क्या होना चाहिए? मैं ये चाह रहा हूँ मिस कि अगर हमारी जो है ना हुकूमत हमारी बात सुने कि हमें जो ये इन्होंने ऐप इशू की हुई हैं, जो ऐप्स चल रही हैं सोशल, वो जो हमारे बाइक्स के हवाले से, उनको फेयर बढ़ाएँ ताकि ये सिक्योर रहें, और उनकी सिक्योरिटी के हवाले से भी इनको कुछ करना चाहिए। हमारे अगर फेयर बढ़ाएँगे तो आवाम बोलेगी, आवाम बोलेगी आए दिन महंगाई हो रही है आपके सामने है, वो कहेंगे कि हमें पैदल चलना गवारे हैं, हम बाइक नहीं लेंगे। जिस तरह देखे ये लोकल सवारियां भी हमारी है, जैसे रिक्शा में और ये चिंची वगैरह चल रहे हैं, लेकिन ये बाइक पे एक सवारी जाती है तो 291 मेरा ख्याल है पर लीटर इस वक्त फ्यूल जा रहा है, ख्याल के हम डलवा रहे हैं हम इस, तो यही है कि ये कैसे एडजस्टमेंट करेंगे फ्यूल की, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। इनमें सवारी अगर एक जाती है तो हम ऑटो रिक्शा या दूसरा रिक्शा करवाते हैं, वो भी तो स्पेशल करवाते हैं ना, उसमें भी जब अगर एक बंदी हो या बंदा हो वो अगर ऑटो करवाते तो किसी और पैसेंजर को बैठने की परमिशन नहीं होती। बाज़ात ऐसा होता है कि ऑटो रिक्शे वाले साथ पैसेंजर को बिठा लेते हैं, जिसकी वजह से वो पैसेंजर एजिटेशन फील करता है, तो वो इजी बाइक पर फील करता है, इसलिए वो उसके ऊपर ट्रैवल। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप उनको उनके डेस्टिनेशन पे छोड़ आए और उन्होंने रेंट भी ना दिया और आपके साथ कोई जदोकोब किया आपके ऊपर? ऐसा कई बार हुआ है, कई हमारे जो हैं राइडर्स इस बात से परेशान हैं क्योंकि वो ले जाते हैं राइडर उनको, तो आगे उनको जहाँ पर उनकी डेस्टिनेशन होती है वहाँ पर पहुँच कर उनको मुकम्मल फेयर नहीं दिया जाता, उनको बाकायदा उनसे बदतमीजी की जाती है, उनसे बदतमीजी करके उनको खौफ और आस वहाँ पे फैलाया जाता है, उनको डराया जाता है कि अब जाओ आपके, आपको हम नहीं फेयर देंगे, जाओ जिसको मर्जी कहते हो, तो ये किसी को नहीं कह सकते। आप कह रहे हैं कि फेयर भी बढ़ाना चाहिए, अब हमें कोई बीच का रास्ता इख्तियार करना चाहिए कि आवाम के लिए भी सहूलत हो और साथ आप ड्राइवर्स के लिए भी होनी चाहिए सहूलत, होनी चाहिए दोनों तरफा, यानी कि इक्वलिटी होनी चाहिए। पहली तो बात यह है कि मिस गरीब तो पहले ही मर रहा है, आपको पता है कि मैं अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ग्रेजुएट हूँ तो, और देखें मैं राइड चला रहा हूँ, रोज़गार ही नहीं है, क्या कर सकते हैं हम लोग, फ्यूल पहले 291 चल रहा है, तो इनके लिए तो जाहिर सी बात है ये तो करेंगे, 130 रुपये की राइड क्या है उसमें पर किलोमीटर पर, अब उसको कम्प्लीट फेयर देंगे तो फिर ही है ना, वो 100, 200, 300 तक उसको करना चाहिए। अच्छा, पहले हमारे माशरे में बाइक पे किसी अननोन लड़के के साथ या बंदे के साथ खवातीन को नहीं बिठाया जाता था, अब यूनिवर्सिटी या हॉस्टल या कॉलेज की लड़कियां भी बाइक पे बैठती हैं और राइड बुक करवाती हैं, तो वो आप लोगों के लिए फ़ायदा है या उनके लिए फ़ायदा है? बेसिकली ये किस तरह का क्राइम? ये क्राइम तो नहीं कह सकते आप इनको, क्योंकि आपको पता है ब्रॉड माइंडेड यहाँ पर जो है हमारे यहाँ माशरे में बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ में गर्ल्स भी हैं और बॉयज़ भी हैं, तो यूनिवर्सिटी लेवल की जो गर्ल्स हैं वो ऐसा है कि वो अपने घर जल्दी पहुंचने के लिए राइड बुक कर लेती हैं, उनको वो जो है वो कम फेयर मिल जाता है इसमें राइड में, तो इसकी वजह से वो ये बुक कर लेते हैं। ये ज़्यादातर हमारी जो आवाम है ना वो बाइक की इसलिए राइड्स के ऊपर आ रही है कि आजकल खवातीन नहीं बल्कि लड़कियाँ कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की
बाइक्स की राइड बुक करवाती हैं, ये क्या उनकी पॉकेट मनी से वो चाहती हैं कि कम पैसों में हम अपनी डेस्टिनेशन पे भी पहुंच जाएं। जी आप बड़े परेशान लग रहे हैं, परेशान हालत आप साइड पे रख लें। तो बाइक जानी थी चली गई है, आइंदा से आपने ऑफलाइन कभी भी कोई राइड नहीं लेनी। ओके जी। अगर केड़ी कुड़ी दी हुई ना तो फिर ऑफलाइन ले लेना, वो कोई मसला नहीं। मैं वो उठाते मुंडे दी नहीं लेनी। नहीं नहीं मैं उठाते ही नहीं वो। नवी बाइक भी ले जाऊं। कोई गल नहीं जी। नाज़रीन ये तो इनकी फ्रस्ट्रेशन थी जो हमने इस टाइम इन लोगों से बात सुनी है। वाकई ये इस वक्त जेन्युइनली प्रॉब्लम में है। इन लोग जिस तरह आए दिन आए रोज हर 15 दिन से पहले आवाम को एक बड़ा धमाका सुनना पड़ता है पेट्रोल के ऊपर। 5 रुपए पहले होता था, अब 20-20 रुपए, 30-30 रुपए, और इनके इजाफे के साथ साथ इनको वो फेयर नहीं मिलता। इनकी परसेंटेज वही है, पेट्रोल में इजाफा है लेकिन इनकी परसेंटेज वही है। अब वो बेचारे क्या करते हैं कि इस एप्लीकेशन को ऑफ करके रैंडमली पैसेंजर्स या सवारियां लेते हैं, जिसमें ये जो है इन लोगों को काफ़ी इस तरह की मुश्किलात का सामना है कि इनके मोबाइल्स भी छीने जाते हैं, इनकी बाइक्स भी छीनी जाती हैं, लेकिन इनको तहफ़ की ज़रूरत है। ये एक सवालिया निशान है आप लोगों के लिए, और आप इस हवाले से क्या कीमती राय देंगे, अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि क्या ये राइट ठीक है, आप लोगों के लिए कन्वीनियंट है। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। फ़ी अमान अल्लाह।